इन सर्दियों में बनाए एकदम हेल्दी और बहुत ही टेस्टी खजूर बास्केट्स। ये बहुत इजीली और क्विकली बन जाते हैं। खजूर एक बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है और इस रेसिपी को हम सिर्फ खजूर से बनाएंगे और साथ ही बहुत सारा घी और ड्राई फ्रूट्स का भी अच्छे से यूज करेंगे। तो एक बार इन हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बच्चों को खजूर खिलाने के लिए आप इस तरीके से बास्केट्स बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएंगे। तो इसके लिए मैंने इधर काजू और बादाम लिए हैं और इन्हें रफली चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है इलायची पाउडर और देसी करीड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा और सबसे मेन इंग्रेडिएंट खजूर लिए हैं। तो अब सबसे पहले एक पैन में एक चम्मच जितना घी डालें और इसमें चॉप्ड बादाम, और फिर काजू डाल दें। तो अब इसे थोड़ी देर रोस्ट होने दें और फिर इसमें डालें नारियल का बुरादा। मैं इधर चीनी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि खजूर नेचुरली स्वीट होते हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें पाउडर्ड शुगर डाल सकते हैं और इलायची पाउडर। तो अब इसे थोड़ी देर के लिए सौते करें। हमें इसे बहुत ज्यादा सौते नहीं करना है, बस एक आध मिनट के लिए ही भूनना है और फिर इसे एक बाउल में निकाल लें। तो अब इधर मैंने खजूर के बीज निकाल दिए हैं। तो अब इस तरह से हाथों से खजूर को बास्केट का या फिर कटोरी जैसा शेप दे। तो इसी तरह से सारे खजूर को मैंने ऐसे शेप देकर रेडी कर लिया है। तो अब एक एक करके खजूर की बास्केट्स में थोड़ा सा घी भरे और फिर हमने जो प्रिपेयर की थी वो ड्राई फ्रूट की स्टफिंग इसमें भरे। इसे थोड़ा सा प्रेस करके सेट कर दे ताकि फिलिंग इसमें अच्छे से सेट हो जाए। तो अब सारे खजूर को मैंने स्टफ कर लिया है। तो अब ये खजूर बास्केट्स रेडी है। इसे किसी कंटेनर में रख कर फ्रिज में आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो इन हेल्दी टेस्टी और इजी खजूर बास्केट्स को आप जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपीज के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।